हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड घर में ही बैठ के आप पढ़ाई भी अपने कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड सेफ होंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे मोडाल्स. मोडाल्स में भी चार मोडाल्स थे, कैन, कुड, मे एंड माइट. उनके यूसेज मैंने आपको बताए थे, डिफ्रेंसिएशन उनका बताया था कि कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता है. नाउ आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो इन्हीं चार मोडाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए. तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. सो बेसिकली अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या तो आपको मिल सकते हैं एरर डिटेक्शन में. एरर डिटेक्शन में आने के चांसेस कम है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए. अदरवाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे या तो फिलर्स में या तो फिर क्लोज टेस्ट में. उसके लिए आपको यूसेज पता होना यहाँ पे जरूरी है कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है, किस पर्पज को सर्व करता है. सो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन. यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि बेसिकली फिलर से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर डैश हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर. तो शेक्सपियर के लिए ऐसा जरूरी पॉसिबल है कि क्रिस्टोफर ने कुछ प्लेज लिखे हों. तो ऐसा पॉसिबल है. अब क्रिस्टोफर ने लिखे हैं, शेक्सपियर के प्लेज ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी फॉर्म आएगी वो पास्ट वाली आएगी. तो मे और कैन यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. सो मे और कैन यहाँ से कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, माइट या कुड या फिर इनमें से कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं तो नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है तो मैं ऐसा ऑप्शन नहीं लेकर आऊंगी जिसमें नन ऑफ दीज हो. तो चारों में से एक ना एक तो यूज होगा ही. दो कट हो गए, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं पास्ट के फॉर्म में जो यूज होते हैं, दैट इज माइट और कुड. अब यहाँ पे दोनों में से क्या आ सकता है, इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर कुड हैव रिटन प्लेज या फिर इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर माइट हैव रिटन. तो शेक्सपियर के लिए प्लेज लिखे हैं तो यहां पे अभी जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्लेज लिखे हों, तो हो सकता है लिखे हों. यहां पे जो फॉर्म आएगी करेक्ट इट इज ऑप्शन नंबर बी, कुड आएगा यहां पे. तो इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर कुड हैव रिटन, पास्ट की फॉर्म है कुड, कैन का ही कुड होता है. तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि क्रिस्टोफर ने कुछ प्लेज लिखे होंगे शेक्सपियर के लिए. तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कुड. तो आपको एग्जाम में बेसिकली ऐसे ही फाइंड आउट करना है. यूसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है. अगर आपने अभी लास्ट वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो वाली वीडियो देख लो, देन उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा इजिली कर पाओगे. एंड यूसेज तो बेसिकली आपको पता होने ही चाहिए. बेस एक अगर मैं बोलूँ मोडाल्स के लिए तो बेस वही है, वरना कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चिल्ड्रन आस्क्ड हर मदर इफ दे डैश गो आउट. बच्चों ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या वो बाहर जा सकते हैं. तो अब यहाँ पे आप देखो, हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में और कैन हमारे प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं, कुड और माइट हमारा पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं. अब यहाँ पे आप देखो कि आस्क्ड दैट इज यूज्ड इन, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट के लिए यूज होती है. तो चिल्ड्रन आस्क्ड हर मदर इफ दे, अब यहाँ पे हमारी वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म है पास्ट है तो इट्स ऑब्वियस यहाँ पे जो हमारा मोडाल यूज होगा वो भी सेकेंड फॉर्म होगा, पास्ट के लिए ही यूज होगा, तो माइट या कुड में से ही यूज होगा. सो चिल्ड्रन ने पूछा अपनी मम्मी से कि क्या वो बाहर जा सकते थे, जा सकते हैं, ये पूछा था उन्होंने. सो माइट या कुड जा सकते हैं, इट्स ऑब्वियस कि उसमें कोई दो राहें नहीं है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे वो परमिशन ले रहे हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा माइट. सो क्वेश्चन नंबर टू के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइट. नाउ मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन आज के लिए, शी डैश पास दिस टाइम एज शी हैज वर्कड रियली हार्ड.
कि हो सकता है इस बार वो पास हो जाए क्योंकि उसने इस बार रियली वर्क हार्ड किया है. सो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या आएगा, माइट, कुड, मे या कैन. आप अगर आंसर डिटेक्ट कर पा रहे हो तो दैट मीन्स कि लास्ट वीडियो आपने देखी है एंड आपको यूसेज क्लियर कट समझ आ गया है. अगर नहीं तो एक और बार लास्ट वीडियो देखो, देन उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो एग्जाम पास कर सकता है वो, उसमें शी हैज द एबिलिटी है एग्जाम क्लियर करने की, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है इस बार वो एग्जाम पास कर ले. तो कैन तो यहाँ पे नहीं होगा दैट श्योर, कि क्योंकि वो एग्जाम पास कर सकती है, शी हैज द एबिलिटी. तो यहाँ पे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि होगा या नहीं होगा, दैट इज वाई यहाँ पे मे आएगा. शी मे पास दिस टाइम, हो सकता है कि शी इस बार पास हो जाए. तो शी मे पास दिस टाइम एज शी हैज वर्कड रियली हार्ड. तो यहाँ पे अब आप डिफरेंस देखो कि कैन या मे दोनों यहाँ पे यूज हो सकते थे, बट हमने क्या यूज किया और क्यों यूज किया. कैन हमने यूज नहीं किया बिकॉज शी हैज द एबिलिटी, वो क्लियर कर सकती है, लेकिन हमें नहीं पता वो करेगी या नहीं करेगी, दैट इज वाई यहाँ पे हम मे यूज कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम हेयर सो दैट ही डैश मीट हर चाइल्ड. वो यहाँ पे आया. अब यहाँ पे टेंस देखो फटाफट. सो केम यहाँ पे यूज हो रहा है, केम यहाँ पे पास्ट के लिए है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे माइट या कुड में से ही आएगा. तो अब इन दोनों में से क्या आएगा, कि वो यहाँ पे आया क्योंकि हो सकता है कि वो अपने बच्चों से मिल सके, ये सोच कर आया है. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड, ही केम हेयर सो दैट ही कुड मीट हर चाइल्ड. वो यहाँ पे आया क्यों, वो अपने बच्चों से मिल सके. तो जहाँ सकता है, सकती है, सका, तो वहाँ पे हम कैन या कुड का यूज करते हैं. कैन या कुड में से हमने कुड को इसीलिए चूज करा क्योंकि यहां पे जो सेंटेंस है इट इज इन पास्ट फॉर्म. तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुड. सो अब आई होप कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये यूसेज आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, तो एग्जाम में फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली क्रैक कर पाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट शी डैश रीड एट द एज ऑफ 4. तो रिपोर्ट ने स्टेट किया. अब यहाँ पे वर्ब देखो फटाफट से, तो वर्ब हमारी आ रही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें दिख रही है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट का सेंटेंस, यानी कि हमारा माइट या कुड में से यूज होगा. नाउ अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि माइट और कुड में से हम क्या यूज करें. सो शी डैश रीड एट द एज ऑफ 4. रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो 4 साल की होने पे पढ़ सकती है, रीड कर सकती है. सो यहाँ पे उसकी एबिलिटी बताई जा रही है, तो एबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं कुड. तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहां से ऑप्शन नंबर बी, कुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू सेड दैट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक शी डैश बी लेट फॉर द मीटिंग. चारू ने बोला. अब यहां पे देखो सेड, फिर से अगेन यहाँ पे हमारा पास्ट का सेंटेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे माइट या कुड में से ही एक वर्ड यूज होगा. सो चारू सेड दैट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की वजह से वो मीटिंग के लिए लेट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं माइट, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि वो लेट होगी ही, बट हो सकता है कि वो लेट हो जाए. सो शी माइट बी लेट फॉर द मीटिंग. तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लुक अ बिट कंफ्यूज्ड डैश आई हेल्प यू. यू लुक अ बिट कंफ्यूज्ड, तुम कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो अब उससे हम जनरली पूछ रहे हैं कि क्या हेल्प चाहिए, हेल्प तो चाहिए कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं. सो यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है कि हेल्प करने की एबिलिटी है, कि कैन आई हेल्प यू. यस, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन, कि कैन आई हेल्प यू. अब यहाँ पे मे आई हेल्प यू भी हो सकता था, लेकिन मे जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, वी आर जनरली आस्किंग कि क्या आपको हेल्प की जरूरत है, दैट इज वाई यहां पे हम यूज करेंगे कैन. तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
I don't know the meaning of this word. Dash, I take your dictionary. मुझे इस word का मतलब नहीं पता है, तो क्या मैं तुम्हारी dictionary ले सकती हूँ? अब यहाँ पे भी क्या हो रही है? Request हो रही है. अब यहाँ पे difference देखो can और may का. हमने last sentence में उससे help के लिए पूछा था कि क्या तुम्हें help चाहिए? हमने उसे generally एक question पूछा था, एक request नहीं की थी, तो that is why हमने वहाँ पे can use किया था. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मैं तुम्हारी dictionary ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो यहाँ पे एक polite request की जा रही है and polite request के लिए हम use करते हैं may. तो यहाँ पे use होगा may. आप differentiation, I hope कि अब यहाँ से आपको और better clear हो गया होगा कि can हम कहाँ use कर रहे हैं and may हम कहाँ use कर रहे हैं. यहाँ हमने can क्यों नहीं किया, जबकि हम कर सकते हैं कि can I take your dictionary, हम कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पूछ रहे हैं क्योंकि dictionary उसकी है. ले तो हम सकते हैं, ability है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं, that means हम politely उससे request कर रहे हैं. So question number 8 के लिए our correct answer is option number C, may. Now next question. Anyone dash write a poem on this topic? इस topic पे कोई भी poem लिख सकता है. तो बहुत simple sentence है. I guess कि आपने अब तक identify भी कर लिया होगा. यहाँ पे use होगा can. क्योंकि ability show कर रहे हैं कि कोई भी ये poem लिख सकता है. So anyone can write a poem on this topic. तो question number 9 के लिए our correct answer is option number D, can. Now last question आज के लिए, dash you please help me lift this box. अब ये देखो बहुत ज़्यादा confusing है. I guess कि आप अब यहाँ पे अगर आपने सही detect कर लिया तो that means कि आपका modals can, could, may और might clear हैं आपको कि कहाँ कौन सा use होगा. Otherwise आपको दोबारा पढ़ने की थोड़ा ज़रूरत है, practice की थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरत है. So अब यहाँ पे देखो, may you please lift me this box, हम ये भी use कर सकते हैं. Can you please help me lift this box, हम ये भी use कर सकते हैं. अब हमें differentiation जो है वो यहाँ पे देखना है. यहाँ पे अगर आप देखो please का use हुआ है, यानी कि politely request की जा रही है. तो yes, यहाँ पे polite request की जा रही है कि can you please help me lift this box. तो यहाँ पे जिन्होंने may बोला वो भी गलत, जिन्होंने can बोला वो भी गलत. यस, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है इट इज कुड, क्योंकि हम पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या ये बॉक्स उठाने में तुम मेरी हेल्प करोगे. तो यहाँ पे हम मे और कैन दोनों ही यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड. तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुड. तो अब देखो मे और कैन अगर आपने बोला आंसर, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है. उसके लिए वीडियो एक और बार जाके देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ, एंड इसके अलावा क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. आप इनका यूसेज जो है उस पर और थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे. एंड आपकी जनरल वर्बल इंग्लिश में भी ज़रूरी है. अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है. आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है. तो मोडल्स ऐसे हैं कि कन्फ्यूजिंग तो होते हैं, बट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है. सो आई गेस कि अभी आपको यहाँ से और ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी. तो ये चार मोडल्स के यूज़ तो आपको क्लियर हो गए होंगे, कैन, कुड, मे एंड माइट. बाकी के कुछ मोडल्स और हम बाद में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू वांट कि आप अगर और कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर आपको बना के उसको समझा सकूँ. सो आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. मोडल्स हमारा चैप्टर जो है चार यहाँ पे हमने फिनिश कर लिए हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एंड उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई गेस ये फॉर्मेट आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, कि पहले आप टॉपिक समझो देन एक्सरसाइज करो. इससे आपको रियली कोई हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुझे फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताइए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, एंड अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड आई डोंट गेस कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस करना चाहोगे, तो ऐसा है तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.